सो वेलकम टू माय चैनल डिमांड कोड। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट, सेल्फ बर्थडे गिफ्ट जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया है नायका से। सो मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, और क्योंकि मैं एक प्रो मेंबर हूँ नायका का, तो बर्थडे पे नायका ने मुझे कुछ एक गिफ्ट दिया है छोटा सा। सो ऑब्वियसली बर्थडे पे कोई भी गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगता है सभी को, तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा आपका भी बर्थडे पे जब गिफ्ट आता है। अभी तो बहुत गिफ्ट आने वाला है, आई नो बहुत दोस्त लोग हैं जो गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत जने हैं जो देने वाले हैं गिफ्ट, बट अभी मुझे जो गिफ्ट मिला है जो मैंने खुद को दिया है, सो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने खुद को दिया है एक्चुअली क्या है। चलिए देखते देखते बात करते हैं, ओके। सो ये है नायका का पार्सल जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है। एक्चुअली क्या है, मैं जब से मैं खुद इनकम करने लगी हूँ तब से मैं खुद को हर साल कोई ना कोई गिफ्ट देती हूँ। कभी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव ही देती हूँ। एक्चुअली एक्सपेंसिव क्या है, मुझे एक्चुअली एक्सपेंसिव का बात भी नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही देती हूँ खुद को। तो इस बार थोड़ा बजट कम था एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है सबका, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन तो हमेशा एक नहीं रहता, तो अभी मेरा भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हर साल की तरह उतना मैं नहीं दे पाई, मतलब उतना एक्सपेंसिव कुछ नहीं दे पाई, बट हाँ कुछ ना कुछ तो खुद को देना ही था, इसलिए मैंने ठीक किया कि मैं खुद को क्या दूँ। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया ये नायका का गिफ्ट, लाइक नायका का ये मैं नॉर्मल भी ले सकती थी, मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अपने सेल्फ स्किन केयर का, सो नॉर्मली ले सकती थी, बट मुझे लगा कि खुद को यही क्यों ना गिफ्ट कर दूँ मैं। एक्चुअली गिफ्ट के पर्पज से नहीं सोची थी मैंने इसको, मुझे चाहिए था अपना स्किन केयर के लिए, बट नॉर्मल स्किन केयर रूटीन के लिए, बट जब मैंने सोचा कि जब खरीद ही रही हूँ तो क्यों ना इसको ही मैं अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ। तो ऐसा एक 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है कि जब अगर आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है नायका में, अब अगर आप चाहो कि ये गिफ्ट पैक हो, किसी को आप चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं, देखना वहाँ पे गिफ्ट पैक का ऑप्शन रहता है। तो ये मैंने खोला था ऑलरेडी, सो चलिए देखते हैं क्या गिफ्ट किया था मैंने। मैंने खुद के लिए एक नोट्स भी लिखा था पता है, सो क्या लिखा था मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये है वो नोट, यहाँ पे मैंने खुद को लिखा है, ओके। मैंने सोचा कोई मेरे लिखे ना लिखे, मैं खुद को ही लिख देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है ये कि सबको ये करना चाहिए किसी के लिए, लाइक आप किसी से क्यों एक्सपेक्टेशन रखोगे कि क्यों कोई आपको गिफ्ट देगा फिर आप खुश होगे, या फिर कोई आपको विश करेगा, कोई आपको कुछ अच्छा आपके लिए बोलेगा। ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट ठीक है कोई नहीं, मैंने इस बार नहीं रखा। सो मैंने अपने आप के लिए लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू एन अमेजिंग पर्सन, एज यू एंटर अ न्यू ईयर ऑफ लाइफ रिमेंबर दैट यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू, लव योर सेल्फ। सो ये मैंने खुद के लिए लिखा था, आप लोग भी अगर चाहें तो अपने बर्थडे में खुद को ऐसा एक गिफ्ट और ऐसा एक कार्ड और ऐसा एक मैसेज खुद के लिए लिखिए, और लिख के खुद को गिफ्ट कीजिए, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को अभी शायद ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मुझे कितना ही अच्छा लग रहा है ये मैसेज पढ़ के। आई नो बहुत जन है मुझे बहुत विशेस आएगा या फिर बहुत कुछ बोलेगा, या फिर भी सेल्फ लव एक अलग ही होता है, और बिलीव मी मैंने ये बहुत देरी से सीखा है और बहुत कुछ खो के सीखा है। सो इसीलिए मैंने इस ईयर का मेरा एक्चुअली लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन रहता है, तो मैं अपना बर्थडे पे खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं खुश रहूँगी, खुद को प्यार करूँगी और खुद के लिए सोचूंगी। यस, मैं अब से खुद के लिए सोचूंगी। सो इसलिए ये नोट और ये गिफ्ट पहला कदम था अपने आप के लिए, अपने आप की तरफ पहला कदम। एक्चुअली पहला कदम नहीं, ऑब्वियसली पहला कदम मैंने उठा लिया तो इसीलिए मैं ये नोट खुद को लिख पाई, आई नो दैट, बट फिर भी एक कदम तो उठाया, आप लोग भी उठाइए। सो खुद को प्यार कीजिए, खुद को खुश रखिए, यही मैं बोलना चाहती हूँ, और ये वीडियो का मेन मोटिव यही है। सो चलिए आप देखते हैं कि क्या मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया है। बाय द वे आज मैंने कोई भी, आप मेरा स्किन देख पा रहे होंगे कि आप मेरा स्किन देख सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग मैं एक्चुअली अभी ऑफिस से आई हूँ और मैंने फेस वॉश तक भी नहीं किया। सो
सो फिर मैं शूट कर रही, थोड़ा सोचा शूट कर लूँ, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं गया इसलिए। सो ये मैं ऑर्डर किया है, मैंने द डर्माकोका 1% हाइलोरोनिक सनस्क्रीन एक्वाजेल, क्योंकि मेरा सेंसिटिव स्किन है और इसीलिए मैंने ये एक्वाजेल लिया है। और अगर आप सेंसिटिव स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, आपका बहुत थोड़ा एक्ने है, एक्नेपोन स्किन है, तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसका रिव्यू मैंने बहुत ही अच्छा देखा था। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे, इसके पहले मैंने IBA का जो SPF 50 जो सनस्क्रीन है ना, वो वाला यूज़ करती थी, बहुत ही अच्छा था, उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अभी पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मेरा एक दोस्त ने इसको मुझे सजेस्ट किया है। सो देखती हूँ इसका कैसा मेरा, इसको देखती हूँ मैं इसका रिजल्ट कैसा आता है मेरा स्किन पे। सो ये तो रहा। एक दूसरा जो मैंने खुद को ऑर्डर किया है वो है ये डीकॉन्स्ट्रक्ट का रेटिनॉल एंड प्रेप्टाइड सीरम। यस, अगर आप 25 के अबव हो तो आपको ये सीरम यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रेटिनॉल और पेप्टाइड सीरम बहुत जन को पता ही होगा, ये एंटी एजिंग है, फाइन लाइंस को दूर करता है और आपका स्किन को एक प्लम इफेक्ट देगा। लेकिन रेटिनॉल आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा ये। पहले अगर आप रेटिनॉल पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ही कम जिसका परसेंटेज है वो आप लीजिएगा रेटिनॉल का। तो मैंने यहाँ पे लिया है 0.2% रेटिनॉल एंड 1% पेप्टाइड। ओके, ये दोनों एक साथ है, एक ही सीरम में दोनों का काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिया था। इसका जो है डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अप्लाई 2-3 ड्रॉप्स ओनली ड्राई स्किन आफ्टर क्लींजिंग। ओके, और जेंटली मसाज एंड ऑल, ये सब पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। सो बहुत ही अच्छा है, जो 25 के ऊपर है जिसका BH, वो ये यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सीरम। ये आपका फाइन लाइंस रिंकल्स को दूर करेंगे और आपका स्किन को बहुत ही अच्छा एक प्लम्प ये देंगे और बहुत ही अच्छा एक टेस्चर देता है। तो डीकॉन्स्ट्रक्ट का भी मैंने रिव्यू देखा था, पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सो इसीलिए मैंने अपने लिए भी 0.2% ही रेटिनॉल लिया है। मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसके बाद ये यूज़ करके कि कैसा इफेक्ट हो रहा है मेरा स्किन। आफ्टर दैट मैंने जो लिया है वो है मिनिमलिस्ट का अल्फा एरबिटिन सीरम। ये भी मैंने 0.2% लिया है, 0.2%। ये एक बहुत ही अच्छा सीरम है। इसका अल्फा एरबिटिन का क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप ये देख ही पा रहे होंगे कि मेरा बहुत, क्योंकि मेरा एक्ने प्रो स्किन है, सो मेरा बहुत ही यहाँ पे पूरा एक्ने स्कार्स है बहुत ही ज़्यादा। तो इसको अल्फा एरबिटिन से ये पूरा लाइट हो जाएगा। ओके, इसको आप नियासिनेमाइड ये यूज़ करके, आपको नियासिनेमाइड सीरम यूज़ करना पड़ेगा। नियासिनेमाइड मैं यूज़ करती हूँ प्लम का। आप अगर चाहें तो मैं आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, और आप प्लम का मेरा नियासिनेमाइड का सीरम जो है वहाँ पे आप ले सकते हैं। प्लम का अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मेरा प्लम डिस्काउंट RIMA10 RIMAA10, तो वहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नियासिनेमाइड सीरम के साथ आप ले सकते हैं। ये मिनिमलिस्ट का सीरम है अल्फा एरबिटिन सीरम को पहले यूज़ करना होता है, फिर आप जाके नियासिनेमाइड सीरम यूज़ कीजिएगा। नियासिनेमाइड भी आपका स्किन को हाइड्रेट रखेगा और आपका कॉम्बिनेशन स्किन को, आपका स्किन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा करेगा नियासिनेमाइड सीरम। मैं आपको दिखा देती हूँ नियासिनेमाइड का सीरम मैं आपको कौन सा बोलूँ। एक प्लम का नियासिनेमाइड सीरम, ये नियासिनेमाइड फेस सीरम है प्लम का 5%। इसका 10% भी आता है, बट जो भी पहली बार यूज़ कर रहे हो और 25 से थोड़ा अबव है, ये 22-21 का भी है वो भी लगा सकते हैं, बट उनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे ये मत लगाइएगा, ये नहीं हो जाता है। बट कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो आप नियासिनेमाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सीरम है, बहुत ही अच्छा एक विद राइस वाटर है इसमें, सो बहुत ही अच्छा।
अच्छा एक टेक्सचर देता है और स्कर्व्स भी बहुत रिमूव करता है। लाइक मेरा जो अभी देख पा रहे हैं, मैं कुछ दिनों से इसकी यूज़ कर रही हूँ और स्किन में अब जो मेरा थोड़ा सा एक ग्लो देख रहे हैं, ये इसी की वजह से है क्योंकि बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। बहुत ही मेरा कम हुआ है, इसके पहले बहुत ही ज़्यादा था, बस बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा था। सो इसको यूज़ करके देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मैं इतना तक एकदम ठीक से आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का बॉटल है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से। सो अल्फा एरबिटिन सीरम, आप इसका मिनिमलिस्ट का पहले ये यूज़ कर लीजिएगा, क्लीन करके अपना फेस फेस वॉश करके आप ये यूज़ कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आप कुछ देर बाद इसको यूज़ कीजिएगा। तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट रेटिनॉल और ये नियासिनमाइड आप दोनों एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। सो रेटिनॉल बहुत ही मतलब, क्योंकि रेटिनॉल पहला थोड़ा सा आपका स्किन में रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करेगा इन द सेंस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है रेटिनॉल को। सो ये मैंने सुना है, मैं आपको पूरा रिव्यू बाद में दूंगी, मैंने जितना रिसर्च किया है या फिर जो भी मुझे सजेस्ट किया है तो उन्होंने ही बोला था, तो मैं आपको ज़रूर रिव्यू दूंगी कि मेरा रिटर्नल यूज़ करके मेरा स्किन का क्या है। सो बट उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था, या फिर मैंने भी रिसर्च करके देखा कि रिटर्नल और नियासिनमाइड सीरम दोनों एक साथ आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये था, आपको अगर चाहे तो आप ये सब ले सकते हैं। और प्लम का अगर सीरम या फिर प्लम का अगर आपको ये नियासिनमाइड सीरम लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, रीमा RIMAA10 कैपिटल में लिखना पड़ेगा। सो आप ये आप ये प्लम का वेबसाइट से भी ले सकते, लाइक प्लम का वेबसाइट से आप जाएंगे, आप ये प्लम का वेबसाइट से लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप ज़रूर जाइए और इसको परचेस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप जानते ही हैं प्लम मतलब एक नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% वेगन प्रोडक्ट है, ये कोई भी स्किन में रिएक्ट नहीं करता, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, आप जाके ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ये सब नहीं यूज़ करना है, लाइक अल्फा एरबिटिन, रेटिनॉल या फिर कुछ भी नहीं यूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली जाके नियासिनमाइड यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 20 नियासिनमाइड यूज़ करना बहुत ही अच्छा है हम लोगों का स्किन के लिए। सो और ये था लास्ट, ये है लाइक लास्ट गिफ्ट जो मैंने नहीं, नायका ने मुझे दिया है एज अ प्रो नायका मेम्बर। सो चलिए देखते हैं क्या है। गिफ्ट खोलना बहुत ही अच्छा लगता है रियली, अभी तो आज शुरू हुआ है गिफ्ट खोलने का। सो कलर बहुत ही अच्छा है, क्या है इसका शेड, थैंक यू नेक्स्ट, ओके थैंक यू नायका, तो शेड है नेक्स्ट का, थैंक यू नायका, थैंक यू नेक्स्ट। सो मैं इसको जरूरी वेयर करूंगी अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिपस्टिक वेयर करके हूँ, तो मतलब ऑलरेडी मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है, सो इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया। और इसका शेड मैं आपको स्वच्छ करके दिखा देती हूँ, मैं इसका शेड आपको स्वच्छ करके दिखा देती हूँ। वाओ, एक पिंकिश थोड़ा लाइक शिमरी शेड है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। थोड़ा अगर आप इससे उम्रे करेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा। ये था मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट एक्चुअली, जो मैंने खुद को दिया है। आप लोग भी खुद को अपने लिए एक गिफ्ट दीजिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको अगर स्किन केयर या फिर मेकअप के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत प्यार दीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है, आपको नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो जल्दी जल्दी देख पाएंगे। और लाइक करना मत भूलिएगा, हाँ प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय बाय।